हाय, जय श्री कृष्णा। सुनीता काला के चैनल में आपका स्वागत है। आपको पता है कि संडे को हम पिकनिक करते हैं छत पे, तो चार पांच फैमिली होती है तो हम पिकनिक करते हैं। तो आज मेरा टर्न है दाल मखनी बनाने का, तो मैं घर से दाल मखनी बना के छत पे लेके जाएंगे और नान हम ऊपर लकड़ी पे बनाएंगे। तो दाल मखनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं दाल मखनी कैसे बनाती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। काला उड़द दाल लेना है आपने। आपने जितना बनाना है, मतलब एक पाव बनाना, आधा किलो बनाना है, एक किलो बनाना है। आज मैं चार पांच फैमिली मेंबर होंगे ऊपर, तो मैंने तकरीबन एक किलो भी नहीं है, एक किलो से थोड़ा कम है, मैंने दाल लिया है, उसको रात को सोक किया है और उसके बाद मैंने उसे उबाल दिया है। बहुत अच्छे से उबला होना चाहिए। अगर अच्छे से नहीं उबलेगा तो दाल को घोटना पड़ता है उबालने के बाद, तो वो ज़्यादा जरूरी है। तो दाल उबाल दी हमने। यूज़ करना है आप घी, बहुत लोग घी यूज़ करते हैं, तो मैं बटर और ऑयल यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आप घी यूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। आप अगर आपके पास घी अवेलेबल है तो प्लीज़ आप घी ही यूज़ कीजिएगा। आपने देखा कि मैंने जैसे ऑयल डाल दिया, अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर लिया है, तो मैं इसमें अब जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगी। थोड़े से ब्राउन होने तक हमने इसे भूनना है। अगर मार्केट में टमाटो प्यूरी बहुत इजीली अवेलेबल होता है, अगर आपके पास टमाटर प्यूरी नहीं है तो आप घर के टमाटर से उसको पेस्ट बना के वो यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कलर इसका चेंज होने वाला है, थोड़े और भूनेंगे इसको। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे, जो मैंने टमाटो प्यूरी ऑलरेडी पेस्ट बना रखा है। हाफ के जी टमाटो होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा दाल यूज़ कर रही हूँ, आप कम करेंगे तो आप कम होगा। देगी लाल मिर्च डालेंगे ताकि इसका कलर अच्छा हो। अभी थोड़े से डालेंगे हम। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि मैं इसमें एक केजी से थोड़ा दाल कम है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैंने टमाटर प्यूरी और देगी मिर्च डाला है। इसको तब तक टमाटो प्यूरी को तब तक भूनना है जब तक कि उसमें तेल या घी आपके ऊपर नहीं आ जाता। इसको काफ़ी देर तक भूनना पड़ता है, तभी ये टेस्ट आएगा, टेस्ट और कलर दोनों आएगा। इसको भूनने देंगे, इसको बंद करके रख देंगे। हमारी टमाटो प्यूरी तैयार हो गई है, इसमें रोगन आ गया है। अब हम इसमें दाल डाल देंगे और दाल को कम से कम, दाल मखनी अगर कोई भी कहता है कि ये आपका 15 मिनट आधे घंटे में हो जाता है, तो वो सब झूठ कहते हैं। दाल मखनी बनाने में कम से कम 24 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं इसको 1 से 1.5 घंटे धीमी आँच में पकाऊँगी। तो मैं दाल डाल रही हूँ, आप प्लीज़ देखिए। ये टमाटो प्यूरी तब तक बनाना है जब तक ये रोगन ना छोड़ दे, मतलब ऑयल ऊपर की तरफ ना आ जाए।
और 1 मिनट लगेगा। ये देखिए दाल का कलर और दाल डाल दिया मैंने। अब इसको हम धीमी आंच में पकने देंगे। थोड़ी देर में वैसे पकने के बाद हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, लेकिन थोड़ी देर पकने के बाद, ठीक है। खिट गई है काफी देर, अब हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे। स्वाद अनुसार हम सॉल्ट डाल देंगे। स्वाद अनुसार सॉल्ट डालेंगे। वैसे तो दाल मखनी में सॉल्ट के अलावा कुछ नहीं पड़ता है, पर मैं टेस्ट के लिए थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर और जीरा पाउडर जरूर डालूंगी, मतलब धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, सिर्फ थोड़ी सी टेस्ट के लिए। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो, मैं टेस्ट के लिए डाल रही हूँ। और इसमें हम बटर डालेंगे। इसको पकाए हुए कम से कम 1 आवर हो गया है मुझे, 1 से 1.5 आवर, तो मैं इसमें अब बटर डालूंगी। पापा। बटर डालूंगी और ये थोड़ी देर के बाद जब दाल मखनी में जब पूरा दाल मखनी हो जाता है, जब पूरा होने वाला होता है, तब उसमें हम क्रीम डाल के थोड़ी देर चला के उसको हम स्टॉप कर दें, तो हमारी दाल मखनी तैयार हो जाएगी। सी कलर आ गया, देगी मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है, और हमने उसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डालना है ताकि आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो। अब इसमें क्रीम डालेंगे। मैं 250 ग्राम का पूरा पैकेट डाल रही हूँ। आप अगर थोड़ा बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। तैयार हो गई है, अब इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ा सा हाथ से क्रश करके हम इसमें ये देखिए, और हमारी दाल मखनी तैयार हो गई। दाल मखनी तो तैयार हो गई है और कलर भी अच्छी आ गई है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए अगर रेसिपी चाहिए होगा तो आप मुझसे कमेंट में डाल सकते हैं कि आपको किस चीज़ की रेसिपी चाहिए, वो मैं आपको दूंगी और ज़रूर कोशिश करूंगी कि मैं आपको नई चीज़ों की रेसिपी ला के आपके सामने पेश करूँ। और आपको बताइएगा कि मेरी दाल मखनी कैसी लग रही है, ठीक है। और मैं इसके बाद का वीडियो जब हम ऊपर आलू नान, मतलब आलू मसाला नान बनाएंगे, तो मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। राधे राधे। ये देखो कुलचा तैयार है हमारा। ये दाल मखनी तो आपने देख ही लिया, आपके भाई साहब को ये कुलचा है। ये कुलचा का मसाला किरण ने तैयार किया है, इसमें आलू प्याज पूरा मसाला तैयार करके। हमारी संतोषी का भी इसको पूरा हाथ है, थोड़ा सा और डाल दे। बस ये कुलचा के लिए आटा गूंथा हुआ है, इसमें घी मत लगाइए। ये हमारा कुलचा तैयार हो रहा है।
संतोषी और वो काली हो गई यार। गंगा आंटी संतोषी कह रही है कि मैं आज काली हो जाऊंगी। आज कुलचा है पूरा। हमारी विद्या आंटी कुर्सी पे बैठे बैठे पूरा मेहनत करती है और हमारी गंगा आंटी भी पूरी मेहनत करती है। मैं नहीं करती कुछ। हमारी सीमा बांटने में पूरी मदद करती है। हम सब मिलके खाते हैं। बैठी हूँ और मैं फ्री में बैठी हूँ। खाने वालों की लाट टपक रही है और खाने वालों की लाट टपक रही है क्योंकि आज बहुत हम स्वादिष्ट खाना बना रहे हैं और बहुत देरी भी हो गई है और बहुत देर हो गई भाभी। बहुत टाइम लग गया इसमें। एक दे दो। ये दाल मखनी है सीमा। दाल मखनी।